अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ लग सकते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और I'll describe you, I call you as my journalist friends. You are most welcome, and you must be surprised that this press conference is arranged here in the press club for the reason that I could speak to you what has happened to the state of Jammu and Kashmir and what is likely to happen in the near future. This is a press release which I have sent. If you like to take a copy of it, or if you would like to have a copy, that we have the copies available. आज सोमवार है, 28 तारीख है दिसंबर की, यानी 2020 हमसे जाने वाला है। और ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज भी जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी है वो भी जाने वाली है। मैं आपको सबसे पहले याद रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये वायदा किया था कि मैं बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर की स्टेट को बाहर करूँगा, रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहा हूँ। आज जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये है कि पैंथर्स पार्टी याद दिला रही है हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब को कि मोदी जी, आपने कहा था बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब 5 अगस्त 2019 को ये हमारा दर्जा ख़त्म हुआ था, अब भी जारी है। ये कब होगा, मेरा ये प्रश्न ये है हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी जी से, ये प्रश्न करना चाहता हूँ, ये क्या हुआ और इस दौरान क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। मैं DDC इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि असेंबली की इलेक्शन नहीं हुई, जम्मू कश्मीर की स्टेट को रिस्टोर करना और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाना ये वायदा था मोदी जी का। ना इलेक्शन हुई असेंबली की, ना ही स्टेट का दर्जा रिस्टोर हुआ। और लेकिन कहते हैं असेंबली की 85 सीट्स हैं असेंबली की, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके अलावा आब हवा हमवार नहीं है। लेकिन डीडीसी एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो थे वो बन गई 280, रिमेंबर के मोदी गवर्नमेंट हैज नो टाइम, सिचुएशन एनवायरनमेंट जो ना एनवायरनमेंट ठीक है ना सिचुएशन ठीक है, 85 MLA के चुनाव करवाने की, लेकिन 280 मेंबरान DDC का चुनाव हो सकता है। और सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, आई एम यूजिंग वर्ड फ्रॉड, लेट मोदी फेस मी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जाने वाला है, इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करूँगा। कि ये बताइए कि 85 MLA के चुनाव करने के लिए आपके पास अब हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वेदर भी ठीक नहीं है, और 280 DDC के चुनाव कर रहे हैं। और कमाल देखिए, पहला सबसे बड़ा इंटरनेशनल
पैमाने पर जो फ्रॉड हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो ये है कि 8% में इतना हो रहा है। आपने भी सोचा होगा, मैं हैरान हूँ कि जम्मू कश्मीर के यहाँ बड़े अच्छे अखबार निकलते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द न्यूज़ पेपर पब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू में। अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, लेकिन कहीं एक एडिटोरियल नहीं आया कि 8% में क्यों, 8% में चुनाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है। आप जो 73rd, 74th अमेंडमेंट में जो यहाँ लागू कहती है सरकार, मोदी सरकार के हमने लागू की है, तो क्या किसी रियासत में या यूनियन टेरिटरी में ये कानून लागू है कि ये चुनाव जो DDC के हैं ये चुनाव 8% में। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है, जैसे फ्रॉड विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो मैंने 5 पॉइंट बना के आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ इस प्रेस रिलीज में के 5 फेजेस में ये मैं दूंगा भी। तो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को पूछना चाहता हूँ। आज एक वोटर होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर का वोटर हूँ, मेरा सबसे पहला पूछना ये है कि 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट में आप चुनाव कार्य कर रहे हैं 8 फेजेस में, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन जो होगा एक वोमेन होगी, उनके लिए रिजर्वेशन देखना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20 डिस्ट्रिक्ट, 10 कश्मीर 10 जम्मू, जो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू के हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जम्मू रूरल की 7 लाख आबादी है और सांबा की 3.5 लाख। इसी तरह आपके कश्मीर की आबादी अनंतनाग की है 7 लाख, और जबकि आपके चीफ मिनिस्टर फरूख साहब की कंस्टिट्यूंसी का नाम है जी, नहीं नहीं बड़गाम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फरूख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, उसकी आबादी कितनी है, जिस जो डिस्ट्रिक्ट है फरूख अब्दुल्ला साहब का SC मिनिस्टर का, उसकी आबादी 3.5 लाख, वहाँ भी 14। फॉर एग्जाम्पल हर एक डिस्ट्रिक्ट को 14 मेंबर दे दिए आपने, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन व्हाट बेसिस, एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है 7 लाख है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सांबा की या कश्मीर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी 3-3.5 लाख है, अनंतनाग की 7-7.5 लाख है, और बड़गाम की जो है वहाँ कुकुलगाम की 3.5 लाख है। इस तरह जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 3 लाख उसको भी 14 MLA, 14 DC आपने DDC मेंबर, और जिसकी आबादी 7 लाख वहाँ भी, यानी कितना डिस्क्रिमिनेशन। आप मैं कहूँगा और माय फ्रेंड्स जर्नलिस्ट फ्रेंड कैमरामैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू बी बिहेव एज ए जज बिफोर बी एंड टेल मी, ये इंसाफ है हम लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, कि जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 3 लाख है, 3.5 लाख है सांबा, और जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 7 लाख है उसको भी आप 14 मेंबर दे रहे हैं।
और सबसे पहला अन्याय यह है कि 14-14 मेंबर आप दे रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रूल रेगुलेशन, और ये 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। मैं जो ये प्रेस रिलीज दिया है उसमें ने लिखा है, कहीं नहीं है लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ कि आप अमेंडमेंट है जम्मू कश्मीर नंबर 2। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारी लेडीज यहाँ बहने हैं, जनरल्स भी हैं, कहाँ आपने 5 डिस्ट्रिक्ट को कह दिया कि यहाँ लेडी चेयरमैन होगी, लेडी चेयरपर्सन होगी। अगर लेडी एक ही चुनी जाती है किसी पार्टी की तो वो भी चेयरपर्सन होगी, नहीं होना जरूरी है। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो ये देखिए इंटरेस्टिंग है, मैं इसको एक मिनट पढ़ूंगा। अनंतनाग वुमेन चेयरमैन होगी, चाहे एक ही हो किसी पार्टी की, चाहे बिना पार्टी हो वुमेन को होना जरूरी है। और फिर आप बड़गाम और बांडीपुर को दे रहे हैं ओपन। और फिर तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहला वुमेन, 2 ओपन, और ये रखे गए हैं अल्फाबेटिकल रखे गए हैं ABC की डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं है। प्रोफेसर साहब, जो चीज़ आप सारी ये बता रहे हैं, कौन इसको दुरुस्त करेगा और जो करने वाला होगा उसको क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा हूँ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को, क्योंकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो कानून बनाया था 5 अगस्त 2019 में, जहाँ जम्मू कश्मीर रियासत वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की आई लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि 36 पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टीज हैं, पैंथर पार्टी की तरह रिकग्नाइज हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। 6 पार्टी नेशनल पार्टीज हैं जो रिकग्नाइज हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मैं हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहा हूँ ये केस, सुप्रीम कोर्ट में पैंथर्स पार्टी ये केस लड़ेगी, ये भी मैं अपने स्टेटमेंट में कह दिया है। लेकिन ये आपके लिए जाना, देखिए अल्फाबेटिकल नाम दिए हैं, ये देख रहे हैं आप अल्फाबेटिकल नाम, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक विमेन रिजर्वेशन, चाहे वहां इलेक्ट हो या नहीं हो, इलेक्ट होगी क्योंकि रिजर्वेशन है, किसी पार्टी की हो या इंडिपेंडेंट हो, चेयरपर्सन वुमेन होगी, चाहे उसकी मेजॉरिटी है या नहीं,